जाइए। मैं सबसे पहले प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरे फतेहपुर वासियों के ऊपर विश्वास करते हुए तिवारा मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मुझे अपने प्रत्येक कार्यकर्ता पर विश्वास है और गर्व भी है कि 2014, 2019, 2017 विधानसभा, 2022 विधानसभा जिस तरह से कार्यकर्ता लग के जिताया है, मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व को मेरे जनपद की जनता निराश नहीं करेगी। 2014 से 2024 तक ये 10 साल जितना भी मेरे से बना है, इस फतेहपुर जनपद को आगे बढ़ाने का और जो मूलभूत सुविधाएं थी उनका निराकरण करने का प्रयास किया है सरकार के, प्रदेश और केंद्र सरकार के माध्यम से। मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व की आभारी हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को तिवारा विश्वास जताते हुए प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। इसलिए मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया और तीसरी बार अभी लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है।